सो नमस्कार दोस्तों, वैसे कैसे हो आप? तो भाई लोगों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो दोस्तों, ये रही अपसेट। और लास्ट टाइम भाई स्पाइक हमने जो काम किया था वो किया था, अपना थिएटर चेंज किया था और इसकी जो टेल है भाई वो भी लगाई थी। तो आज हम इस पर करने वाले भाई काम, जो कि अपने इस बाइक के लास्ट काम, जिसमें भाई साहब से हम चेंज करेंगे भाई इसकी साइलेंसर कवर। सो ये रही अपनी लोअर हैंडल टी, देन भाई उसके बाद करेंगे हम इसका जो है एक्सीलेटर केबल, वो चेंज करेंगे। और एक रहा भाई इंडिकेटर जो इसका टूट गया है वो भी चेंज करेंगे। और ये रहा भाई अपना एक हैंडल, और ये रहा भाई अपना इग्निशन किल स्विच, इसे भी हम चेंज करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं अपने काम शुरू। सो दोस्तों, ये हमने हैंडल टी निकाल दिए, अब करते से रिप्लेस। फाइनल दोस्तों, ओल्ड कॉन्सेप्ट वाई हमने निकाल दिया है, अब बारी वाई इसे इंस्टॉल करने की न्यू हैंडल टी में। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, तो अब करते हैं भाई फिटिंग का काम। सबसे पहले भाई ये वाली वॉशर ये करेंगे हम यहाँ पर फिट, भाई अब करेंगे इसे फिट। तो चलो यार फिट कर लेते, फिर आपको दिखाते हैं। फाइनल दोस्तों, फिटिंग हो चुकी है कप सेट की, तो अब करते हैं भाई इसे फिट और नट बोल्ट्स वाई लगाते हैं यहाँ पर। तो चलो यार, फाइनल दोस्तों हैंडल टी वाला काम हो चुका है डन। अब भाई सबसे पहले कर लेते हैं भाई इंडिकेटर फिट, और उसके बाद करते हैं अपना हैंडल चेंज, और अपना जो सेल्फ वाला स्विच है भाई वो भी इसके बाद चेंज करेंगे। सो फाइनल दोस्तों, अपना जो इंडिकेटर वाला काम है वो हो चुका है डन। तो चलिए भाई इस पेपर को निकालते हैं। तो चलो भाई ऑल ओवर काम डन। अब रहता है भाई इसका हैंडल चेंज करना और स्विच चेंज करना, तो जल्दी से भाई उसे करते हैं चेंज, देन उसके बाद अपना जो मैक्सिमम काम है भाई वो हो जाएगा कम्प्लीट। चलिए यार, सो फाइनल दोस्तों, अपना जो सभी काम भाई वो हो चुका है डन। अब थोड़ा बहुत भाई से टेस्ट कर लेते हैं, हैंडल कॉन्सेप्ट भाई टाइट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे।